इंडिया गेव फिलोसफी ऑफ द ह्यूमैनिटी टू द वर्ल्ड, इसलिए इंडिया को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। हेलो व्यूवर्स, दिस इज अली रजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लकीली आज हमारे दरमियान डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो है वो मौजूद है। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, हमारे देखने वाले व्यूवर्स के लिए बहुत ही ऑनर की बात है। सर ने आज अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला है। गुज़िश्ता रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू अली जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और आपको भी रिपब्लिक, तो आप भी हैं तो और हमारा ही पार्ट थे कभी, तो आपको भी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा भारत पिछली आज जिस मौजूए सुखन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि बहुत से देशों ने इसको सेलिब्रेट किया है। अगर बात की जाए दुबई की, बात फ्रांस की जाए, बात जर्मनी की जाए, या नाम क्या लेने, मतलब यही कह दूं कि पूरी दुनिया भर में जो है वो इसकी सेलिब्रेशन जो है वो की गई है। देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बताता चलूं कि जो ये रिपब्लिक डे है सर, थोड़ा सा इस हवाले पे भी हम बात कर लें कि ये है क्या बेसिकली, और इसको जो होली डे जो मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है इस दिन को। देखिए, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट मैं बताने बैठूंगा तो बहुत डीप में चला जाएगा। रिपब्लिक डे को आप सिंपल ये समझ लीजिए कि रिपब्लिक डे का मतलब होता है कि आप बादशाही का जो जो रूलिंग कॉन्सेप्ट होता है या गवर्नेंस का मैकेनिज्म होता है, लोग उससे बाहर आ जाते हैं। बादशाहत में होता यह है, यानी जिसको हम राजा कहते हैं, उसमें जो राजा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है। उस सारी शक्तियां उसी के अंदर होती हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स होते हैं वो उसका सोर्स होता है। लेकिन रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी राजा के पास, बादशाह के पास सोर्स ऑफ पावर नहीं होता, वो किसी गॉड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बल्कि लोगों के पास होती है पावर, सोर्स ऑफ पावर, आप समझ रहे हैं। तो जब लोगों के पास सोर्स ऑफ, जैसे आप कई, मैं आपको इस्लामिक रिपब्लिक का ही मतलब जो इस्लामिक नहीं, जो जिस जिन कंट्रीज में इस्लाम फॉलो होता है काफी बड़ी मात्रा में, अगर आप उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लेना तो आपको ये बात मिल जाएगी कि ऑल ऑफ देम से कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो वो है, क्या नाम है, सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर वो लोगों के पास है। तो जब आप ये कह देते हो कि पॉलिटिकल पावर जो है वो लोग होंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं आपको अभी कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको अपने उस पर ला दीजिए तो ताकि आपके जो लोग हैं वो भी उसको देख सके। आ गया तो देखें जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कजाकिस्तान है, ठीक है ना। यहाँ पे 80-85% या 90% जनता इस्लामिक है, मुसलमान है वो, ठीक है? अब इनका आप आर्टिकल 3 देखें, ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ठीक है, देख लिया आपने? जी जी देख लिया। क्या लिखा हुआ है? द पीपुल शैल बी द ओनली सोर्स ऑफ द स्टेट पावर। बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन है? लोग है, ठीक है। तो यही बात जब आप किसी कंट्री के लिए कहते हैं, तो मतलब आप उसको कहते हैं कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पावर का सोर्स अगर लोग हैं तो उसको आप कहते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर द पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। इसको हम कहते हैं पॉपुलर सॉवरनिटी, दिस इज कॉल्ड रिपब्लिकनिज्म। जब बादशाहत से अलग होकर के हम और आप सॉवरिन होते हैं, हमारे आपसे कोई भी पॉलिटिकल शक्तियां लोग डिराइव करते हैं, इसीलिए वो हमसे आपसे, हमको रूल करने से पहले हमारे और आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हम आपसे गवर्नेंस, क्या हम आपके ऊपर रूल करें, जिसको आप इलेक्शन कहते हो, ठीक है ना। सो पहला कंडीशन होता है, इन ऑर्डर टू हैव अ डेमोक्रेसी दैट द पीपल शुड बी द सोर्स ऑफ पावर। अगर आपके यहाँ पीपल सोर्स ऑफ पावर नहीं है तो आप फिर डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे पहली कंडीशन होती है कि सब कोई इक्वल हो। यदि आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से अपने आप को गवर्न करते हो जिसमें सब कोई इक्वल नहीं है, यानी सारे इंसान एक समान नहीं है, तो फिर वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। इलेक्शन की कोई भी एक्सरसाइज वो फार्सिकल एक्सरसाइज होगा। दिस इज द प्री कंडीशन। सो रिपब्लिकनिज्म इज अ प्री कंडीशन, यानी कि सोर्स ऑफ पावर जो है, मुंबा ऑफ पावर जिसको आप उर्दू में कह लें, वो आप डिविनिटी से लेते हो और उसको आप पॉपुलरिटी में डाल देते हो, यानी फ्रॉम डिवाइन सॉवरिनिटी टू पॉपुलर सॉवरिनिटी। जब आप ये ट्रांजिशन कर लेते हैं अपने समाज में,
तो आप डेमोक्रेसी के लिए तैयार होते हो। सो रिपब्लिक का ये इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिकनिज्म होने का मतलब कि फिर अब कोई राजा के कहने पे हम लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे। कोई राजा हमको जो है गिफ्ट में, पहले क्या होता था वो टेरिटरी गिफ्ट में दे दिया करते थे, ये ले जाओ ये टेरिटरी आ से तुम्हारी, क्योंकि हम दोनों के बीच में शादी हुआ है तो ये पुर्तगाल जो है वो आ से तुम्हारा हिस्सा हो गया, इस टाइप की चीज। जबकि लोग कोई भेड़ बकरी तो है नहीं, वो प्रॉपर्टी तो है नहीं कि तुम उनको गिफ्ट कर रहे हो। गिफ्ट प्रॉपर्टी को किया जा सकता है, इंसानों को गिफ्ट थोड़े किया जा सकता है। आप ऐसा थोड़े होगा कि भाई मैं किसी अमेरिकन से मिलने गया और मैं कहूं ये लीजिए हमारी तरफ से अली रजा गिफ्ट में आपको, दैट कांट बी डन राइट, बिकॉज पीपल कांट बी ट्रीटेड एज जिसे आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। बेसिकली पावर ऑफ पीपल को जो है वो इसके अंदर ऐड करना, जिस तरह वोटिंग सिस्टम होता है वोट के जरिए किसी पॉलिटिशियन वगैरह, पावर ऑफ पीपल नहीं, सोर्स ऑफ पावर इज पीपल, जरिया जो है पावर का, पावर कहां से ला रहे हैं आप। जैसे कोई आपके ऊपर रूल कर रहा है तो ये कोई आ रहा है रूल करने, वो कह रहा है कि मैं इसलिए रूल करने आऊं कि मुझे भगवान ने ये बोला है कि तुम इनके ऊपर सबको जीतो और उसके ऊपर शासन करो, तो वो अपनी लेजिटिमेसी जो है वो कहां से डिराइव कर रहा है, भगवान से डिराइव कर रहा है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे रूलर बनना चाहते हो, मेरे प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, वजीर आजम बनना चाहते हो, बादशाह बनना चाहते हो, तो पहले हमसे आके परमिशन लो। पहले क्या होता था, वो आपसे परमिशन ना लेके आपकी गर्दन उड़ा देते थे, कहते थे चूंकि मैंने तुमको वॉर में हरा दिया तो मेरे पास सोर्स ऑफ पावर आ गया, अब मैं तुमको वो करूंगा, रूल करूंगा, और फिर अपने जो वो उनकी जो जिनकी जो भी मान्यताएं होती थी आपके ऊपर थोप देते थे। तो रिपब्लिक होने का मतलब है कि जो डिवाइन सॉवरिटी, मतलब सॉवरिन भगवान को माना जाता था, उसको चेंज करते हो आप, कहते हो भगवान डिवाइन नहीं है, क्योंकि अगर भगवान डिवाइन है तो फिर अर्थ एक है क्योंकि उसने अर्थ को बनाया है, फिर नेशन स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर सकते, फिर आप उसमें नहीं कहोगे कि ये मेरा हिस्सा है वो तुम्हारा हिस्सा है, सब अल्लाह का ही है, सब भगवान का ही है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप फिर क्या करते हो, आप कहते हो अच्छा अच्छा ठीक है, फिर सॉवरिनिटी का जो सोर्स है वो फिर डिविनिटी ना होकर के पॉपुलैरिटी हो जाती है। जैसे आप कहते हैं कि पीपल आर द सोर्स ऑफ सॉवरिनिटी, तब आप क्या करते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हो जिनको आप नेशन स्टेट कहते हो, आप दायरा खींच देते हो कि इस दायरे में हम रहेंगे, इस दायरे में आप रहेंगे, क्योंकि इस दायरे के लोग एक कल्चर के हैं, एक मानसिकता के हैं, वो अपने हिसाब से अपनी जमीनों को गवर्न करना चाहते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो वो जो होंगे वो उसके मालिक है, और वो उन्होंने सदियों से अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है तो वो उसके मालिक है, इसलिए वो डिटरमाइन करेंगे कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं और किस तरीके से। यहाँ पे ये बताएं कि बहुत से जो कंट्रीज साथ सेलिब्रेट किया है जिन्होंने रिपब्लिक डे को, बहुत सी ऑफर भी आई हैं, भारत को बड़ा डिस्काउंटेड ऑयल वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं कुछ कंट्रीज की जानिब से। रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया में तो बाकायदा तिरंगे को भी जो है वो वेव किया गया है। तो ये तमाम चीजें मतलब इंडिया से ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए की जाती हैं। देखिये इंडिया दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट मल्टीकल्चरिज्म है और दुनिया की ओल्डेस्ट सभ्यता है। भारत की सेलिब्रेशन दुनिया की मानवता की सेलिब्रेशन है ना। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम अलग हैं तुम अलग है। भारत की जो फिलॉसफी रही है वो भारत की फिलॉसफी मानवता को डिफाइन करती है। उसने कभी ये नहीं डिफाइन किया कि तुम पर्टिकुलर एक चीज को मानोगे तो हमारी चीजें तुम्हारे ऊपर लागू होंगी, ऐसे नहीं कहता वो। वो कहता है तुम चूंकि मानव हो, और मानव हो तो ये सारा मानव यानी इंसान, तुम सारा कुछ जो है तुम्हारी बिहेवियर ऐसी होगी, तुम्हारा नेचर ऐसा होगा, तुम्हारे अंदर की ऐसी अच्छाइयां होंगी बुराइयां होंगी, और उसको तुम ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इंडिया गेव फिलॉसफी ऑफ द ह्यूमैनिटी टू द वर्ल्ड, इसलिए इंडिया को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। अब योग जो है वो तो भारत ने दिया, ये थोड़े लिखा था कि योग उसके ऊपर लगेगा जो हिंदू होगा, और उसमें तो हिंदू वर्ल्ड भी कोई ऐसे नहीं डिफाइन करता कि जो मानेगा वो हिंदू होगा। कोई भी योग करेगा उसको लाभ होगा, क्यों? क्योंकि वो मानव है, वो इंसान है, उसके हर के उसके इंसान की जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है और जो उसका मेंटल एलिमेंट है वो सब सेम रहेगा। जो भी योग करेगा उसको वही लाभ देगा, आयुर्वेद जो भी यूज करेगा उसको वही लाभ देगा। ये थोड़ा कि पहले मानना होगा कि भाई पहले मानो तब जाके तुम्हारे ऊपर ये जो है असर करेगा। सो इंडिया ऑलवेज स्पोक अबाउट ह्यूमैनिटी, भारत ने मानवता की बात करी कभी भी। भारत ने जो फिलोसफीज दी, धर्म दिया, इसलिए कई लोग कहते हैं भारत में रिलीजन नहीं है, क्योंकि वो रिलीजन को कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, लॉज गिविंग को वो रिलीजन कहते हैं कि द लॉ हैज बीन गिवन बाय द गॉड, और इसी को चूंकि तुमको गॉड ने कभी लॉ नहीं दिए इसलिए तुम्हारे पास रिलीजन नहीं है। ये लोगों की आर्ग्यूमेंट होती है।
इंडिया जो है वो लॉज से एक कदम ऊपर की चीज है, वो है फिलॉसफी। वो बताता है कि लॉज बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे। जैसे मान लीजिए आप ये मानते हो कि सारे मनुष्य इक्वल नहीं है, तो आपके नियम, आपके आपका जो लॉ बनेगा वो उसी हिसाब से बनने लगेगा। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देख ले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कहता है कि यदि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है तो आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते, आप ये नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जो फिलॉसफी है जिसके आधार पर यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो फिलॉसफी ये कहता है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इक्वल नहीं हो सकते, दे आर नॉट वन इन द सेम थिंग। सो उसी आधार पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो इंडिया ने जो फिलॉसफीज दी, वो फिलॉसफीज इतनी समझ लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव है कि वो मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करने वाला इंडिया था। इसीलिए इंडिया में 27 लैंग्वेजेस हैं और सबकी सब सर्वाइव करती हैं। इंडिया में दुनिया के सारे रिलीजन रहते हैं और सबके सब सर्वाइव करते हैं, खुशी से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। इंडिया में जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जुडाइज्म है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक, अभी एक जूश बंदा है, उसने एक वीडियो शेयर किया है और वो ये वीडियो में कहता है कि दुनिया में सब जगह जूश लोगों को परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, लेकिन अब चूंकि आपका चैनल इसलिए मैं नहीं दिखाता, लेकिन इंडिया में जुडाइज्म को परसिक्यूशन नहीं फेस करनी पड़ी। क्यों? जबकि जूस ने हमें ही गालियां दी थी। जूस तो यही कहते थे ये तो पेगन है, ये दुनिया को बताने वाले कि मूर्ति पूजा गलत है, ये तो जूस लोग थे ना, ये 10 कमांडमेंट्स का रूल है ना, सेकंड कमांडमेंट तो यही कहता है 10 कमांडमेंट में। तो फिर भी उनको यहाँ पे कोई प्रोसिक्यूशन, किसी ने उनको घृणा की नजर से नहीं देखा कि उन्होंने कहा तुम्हारे तो भगवान झूठे हैं और एक ही भगवान है उसकी पूजा करो, ये बताने वाले दुनिया को यहूदी थे। लेकिन वो जब इंडिया आए उनको सम्मान दिया गया, उनको प्रोटेक्शन दी गई, और आज भी अगर आप जूस से बात करेंगे वो आज भी मानते हैं कि हमने इंडिया को गाली दी, हमने इंडिया की सभ्यता का मजाक उड़ाया, हमने इंडिया की बिलीफ सिस्टम का मजाक उड़ाया, उसको गलत कहा, लेकिन इंडियंस ने कभी भी हमें वो नहीं समझा, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। अब इसको और क्या कहा जाए। सो इसीलिए दुनिया भर में इंडिया सेलिब्रेट होता है।